नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवय बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का एजीडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस वीडियो का सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का कष्ट करें। साथियों, इस वीडियो के अंदर में दिल्ली स्पेशल ड्राइव लेटेस्ट डेवलपमेंट के संबंध में बात करने के लिए वीडियो बना। पहले भी दो तीन वीडियो में एग्जामिनेशन के संबंध में किया हो। आप लोग का मालूम है जीडीएस से पीए का रिजल्ट बहुत सर्कलों में आ गया, बहुत सर्कलों में आना बाकी है। ये भी थोड़ा नाराजगी है हम लोग का, बी कैटेगरी का लोगों का मिला नहीं हम लोग, इस तरह है। और जीडीएस टू पोस्टमैन और एमटीएस का भी परीक्षा पिछली 25 तारीख का हो चुका है, एमटीएस से पोस्टमैन का भी। इसी 25 अगस्त 2025 को परीक्षा का हो सकता है अगले महीने दोबारा इसके अंदर रिजल्ट अनाउंस करके 11-12 तारीख के अंदर डेस्ट का परीक्षा भी हो जाएगा। इसके बाद उनको सर्कल का उनको सुविधा का मुताबिक को अगले महीने आखिर में रिजल्ट आने का उम्मीद है। ये एक हो गया। साथियों, दिल्ली में पिछली एक साल से एक प्रोसेस चल रहा था, दो बार विलिंगनेस मांगा गया जीडीएस से सरप्लस कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट और विलिंग कैंडिडेट का दिल्ली में काम करने के लिए, एमटीएस पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए लगभग 3000 पदों का विलिंग मांगा है। मैं पिछले वीडियो के अंदर बताया गया था, अभी भी कुछ सर्कल का सरप्लस लिस्ट निकल रहा है, इसलिए इस संबंध में इसका संबंधित संलग्नों का जोड़ने का काम कर रहा है करके बोला था। आप लोग का मालूम है सोशल मीडिया में मैं कुछ दो तीन ग्रुप में डाला था हम लोग का। मैं पिछली 6 अगस्त 2024 को ऑनरेबल चीफ पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली सर्कल का लेटर लिखा है था, डिले हो रहा है इस पर जल्दी करने की संबंध में रिप्लाई भी आया, रिप्लाई कॉपी मैं साइड में डाला हूँ। यही रिप्लाई 28/8/2024 का दिया है। ये पिछली वीडियो में बोला था यही कुछ प्रॉब्लम से प्रोसेस चल रहा करके। आज इस लेटर से आप लोग कभी कन्फर्म हुआ होगा ये प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा छोटा मोटा कमी है कुछ सर्कल आरओ से आया हुआ सूची में, उन सर्कलों ऑनलाइन में और वीसी इत्यादि करके जल्दी इस कमियों का दूर करके हम लोग अप्रोल करने कोशिश करेगा। यही एक रिप्लाई, कितना समय हो सकता बोल नहीं सकता क्योंकि सरकार का काम है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इस बार कुछ सर्कलों में ज्यादा पोस्ट है, कुछ सर्कलों में कम है। मैं कोई ग्रुप में देख रहा था केरल में अभी कुछ रिजल्ट आया है सरप्लस इत्यादि के लिए, और वेस्ट बंगाल में भी लगभग जीडीएस से पोस्टमैन के लिए 1102 पोस्ट है। पिछली बार भी 600-800 भरा नहीं था। मैं ये निवेदन है आप लोगों, किधर मौका मिलो हो तो आप लोगों जाने कोशिश, बहुत जगह में बहुत अच्छा तरह हमारा लोग पिछली दो साल में जीडीएस का बहुत पोस्ट मिला है। इसी तरह इस बार भी कुछ बेंगलुरु इत्यादि में बहुत कम है पद बोल रहा है, बाकी जगह में है। फिर हर सर्कल में कुछ तो मिलेगा, मौका मिलो वो तो आगे सरप्लस कैंडिडेट लिस्ट वगैरह होता और कोई शहरों में और कोई हेडक्वार्टर में करने का तैयार रहना पड़ेगा। अभी हम लोग देख रहा है, आज भी हमारा से बहुत लोग चर्चा किया रूल 38 का ट्रांसफर का संबंध में, मतलब वो आया है बेंगलुरु में काम करने के लिए, इधर से बाहर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने का भी कोशिश चलता है, उनको भी एक वेटिंग लिस्ट का मुताबिक को हो रहा है, रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी हो रहा है, रिलीव हो रहा है रूल 38 में उन पोस्टमैनों इत्यादि पीए इत्यादि में भी। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसलिए दिल्ली सर्कल कभी आएगा। यदि आप लोग का कौन सी अभी भी परीक्षा हुआ है रिजल्ट लिख के देखो पहले कौन सी आता है कैसे, इस तरह कुछ आप लोगों देखने का कोशिश करिए। यदि इस संदर्भ में और कोई जानकारी आए हो तो हम लोग आप लोग का अपडेट करने की कोशिश करेगा। हम लोग आपके लिए कुछ तो हम लोग प्रयास करता रहता है, ऐसे बात नहीं, बहुत लेटर लिखा है, इसका जवाब इत्यादि भी मिलता है हम लोग का। ये कुछ और कुछ सुधार होना चाहिए, एक
जीडीएस 2 पीए लिखने में कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं अन्य सिस्टर यूनियन से भी मैं हम लोग बात करने का कोशिश कर रहा है, हम लोग के इस संबंध में थोड़ा आप लोग सहयोग करो करके। यही बोलते हुए साथियों, दिल्ली सर्कल भी कुछ हो सकता है, 1-2-3 हफ्ता डिले हो सकता है, 1 महीने डिले हो सकता, परंतु जरूर आएगा, ये आशा हम लोग का है। ये इसी के साथ मैं आप लोग का दोबारा धन्यवाद बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।